मैं सर कृपाल सिंह रजाना और आज हम पढ़ने वाले फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है क्या बेसिकली, और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम बात करते हैं कि हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि हमें कुछ न कुछ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में डिसएडवांटेज थे। तो आज सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं कि एनालॉग मॉड्यूलेशन में और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में दोनों के दोनों में क्या डिफरेंसेज है। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के फर्स्ट पॉइंट पर। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरीड विद रेस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल, फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमने एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन में क्या था कि इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, तो जो कैरियर वेव थी हमारी उसके एम्पलीट्यूड को हम वेरी कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरिएशन के साथ में। तो हमारा सिर्फ एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है किसका, कैरियर सिग्नल का हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था, मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी हम उसे बोलते हैं। तो अब इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये हो रहा है, पर हमारे पास बस क्या रहा था, सेम क्या चीज़ रह रही है। तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी और फेज दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, फ्रिक्वेंसी और हमारा फेज दोनों के दोनों एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर क्या है, कॉन्स्टेंट है। सिमिलरली अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर क्या है, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज वेरीड विद रेस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल और एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेंस कॉन्स्टेंट। और इसके अंदर क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी हमारी वेरी हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में, मैसेज सिग्नल के। यहाँ भी हमारे एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ में वेरी तो हो रही थी कैरियर सिग्नल का, पर यहाँ एम्पलीट्यूड हो रहा था, यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी हो रहा था। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारा क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड में फ्रीक्वेंसी और फेज दोनों सेम थे, बट हमारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेंस कॉन्स्टेंट। देखो क्या फर्क पड़ रहा है, वेरी क्या हो रही है मेरी फ्रीक्वेंसी और कॉन्स्टेंट क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस। और यहाँ पे हमारा क्या है, वेरी हो रहा है एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में और रह क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी और फेज रिमेन कॉन्स्टेंट। और अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड इज मोर नॉइजी सिंस द एएम रिसीवर्स डू नॉट हैव एम्पलीट्यूड लिमिटर्स, मोर ससेप्टेबल टू द नॉइज। और हम दूसरी जब पॉइंट पर आते हैं, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, जो हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसके जो रिसीवर्स हैं उसके अंदर हमारे एम्पलीट्यूड लिमिटर्स नहीं होते हैं, जो एम्पलीट्यूड रिसीवर लिमिटर्स नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे एएम सिग्नल के अंदर नॉइज होती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एएम सिग्नल इज मोर ससेप्टेबल टू द नॉइज। अब बात करते हैं हम फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या है, नॉइज कैन बी रिड्यूस बाई एम्प्लॉइंग एम्पलीट्यूड लिमिटर टू रिमूव एम्पलीट्यूड वेरिएशन कॉज्ड बाई द नॉइज। और हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर हमारा क्या होता है, रिसीवर के अंदर एम्पलीट्यूड लिमिटर्स लगे रहते हैं जिसके कारण हमें नॉइज कम प्राप्त होती है, और हम कह सकते हैं लेस ससेप्टेबल टू द नॉइज। जैसे कि आपने अपने देखा होगा कि जब हम एफएम सुनते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी बहुत क्लियर होती है बजाय एएम सिग्नल के। आपने देखा हो, विविध भारती वगैरह सुना हो और आपने रेड एफएम पढ़ा सुना है, तो उन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो एक में क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, एक में क्वालिटी बहुत कम है। जैसे कि हमने लिखा है हमारा थर्ड पॉइंट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हैज पुअर साउंड क्वालिटी बट ट्रांसमिट लॉन्गर डिस्टेंस। और ये भी आपने अगर गौर से देखा हो कि जब हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है और एएम सिग्नल है, जो एएम चैनल्स हैं जो हमारे विविध भारती वगैरह बहुत लंबी दूरी तक आते हैं, आप देखोगे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक, और जबकि एफएम सिग्नल हैं वो हमारे विदिन सिटी जाते हैं, सिटी के बहुत ज़्यादा बाहर तक नहीं जाते हैं। तो इसमें क्या है, साउंड क्वालिटी तो अच्छी होती है पर बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते, किसको, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का। इसमें साउंड क्वालिटी नहीं होती है पर बहुत ज़्यादा दूर तक हम इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, और भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और भी पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एएम वेरीज फ्रॉम 0 to 1। जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, वो वेरीज करता है हमारा 0 to 1 के लिए। बट हम जब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो हमारा एफएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो कितने से ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो जो एफएम का मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो हमारा 1 से ग्रेटर होता है ऑलवेज, और जबकि हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफएम का 0 to 1 में ही वेरी करता है।
और हम अब करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की बात। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या है, जो अगर आपने इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखा हो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन दोनों के, तो एएम हैज टू साइड बैंड्स। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में दो साइड बैंड्स होते हैं, एक अपर साइड बैंड एक लोअर साइड बैंड। पर अगर बात करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स होते हैं। अब बात करते हैं हमारी सिक्स्थ पॉइंट पे। तो सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा, एम है नैरो बैंडविड्थ विच इज 2 एम, और जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल है, और हम कहते हैं एम सिग्नल जो है उसकी जो बैंडविड्थ है वो नैरो होती है, और उसकी जो बैंडविड्थ कितनी होती है 2 FM के बराबर होती है, मतलब मैसेज सिग्नल का ट्वाइस होती है। और जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो हमारा नैरो नहीं होता, वो वाइड बैंड होता है। बैंडविड्थ ऑफ FM सिग्नल इज मच हाई है, मतलब वाइड बैंड है, और कब अप टू 10 times ऑफ दैट ऑफ AFM। और जो AM का जो सिग्नल की जो बैंडविड्थ है उससे लगभग 10 गुनी बैंडविड्थ होती है FM सिग्नल की। हमारा उसके बाद आ गया हमारा सेवन्थ पॉइंट, एएम ब्रॉडकास्ट ऑपरेट इन मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम 535 हर्ट्ज़ टू 1705 किलोहर्ट्ज़। तो जो हमारा एएम सिग्नल है तो जो ब्रॉडकास्ट होता है मीडियम फ्रीक्वेंसी पर होता है, और ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर होता है, और वो होता है 535 से 1705 किलोहर्ट्ज़ के लिए। पर जब बात आती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, इसमें वेयर नॉइज आर इफेक्ट्स आर मिनिमल, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है जिसके कारण इसमें नॉइज भी कम होती है। जैसे कि हमने पहले पुराने पॉइंट में बताया था कि लेस सस्टेनेबल टू द नॉइज कौन सा होता है, FM सिग्नल होता है। मोर सस्टेनेबल टू नॉइज क्या होता है, हमारा AM होता है। तो इसके अंदर हमारा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए व्हेन नॉइज इफेक्ट्स आर मिनिमल। जो इसकी रेंज है वो कितनी होती है हमारी, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। जैसे कि आपने अगर सुने हो रेड FM वगैरह और ये सारे सुने हैं, तो उसमें जब भी हम ट्यून करते हैं वो कितने से करते हैं, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के बीच में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा, इन AM सिग्नल इफ टू और मोर सिग्नल रिसीव्ड एट सेम फ्रीक्वेंसी देन बोथ विल बी डीमोडुलेटेड, दिस कैन लीड टू द इंटरफेरेंस। इसका मतलब क्या है, अगर AM सिग्नल के अंदर हमें दो या दो से ज़्यादा सिग्नल सेम फ्रीक्वेंसी के हमको डीमोडुलेशन पर अराइव होते हैं, मतलब रिसेप्शन पर हमें अराइव होते हैं, तो वो क्या करेगा, दोनों सिग्नल्स को डीमोडुलेट भी कर देगा, और जिससे क्या हो जाएगा, सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं दोनों, एक साथ डीमोडुलेट हो जाएंगे, तो उसके कारण देन कैन लीड टू द इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस होने के चांसेस हो जाएंगे, मतलब कि दोनों के जो सिग्नल्स हैं वो आपस में इंटरफेरेंस हो जाएंगे। बट हमारे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होता है, इन FM इफ टू और मोर सिग्नल रिसीव्ड एट सेम फ्रीक्वेंसी द रिसीवर विल कैप्चर द स्ट्रॉन्गर सिग्नल एंड एलिमिनेट द वीकर सिग्नल। और इसमें हमारे FM सिग्नल के अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास दो सिग्नल हैं वो रिसीव हुए अगर रिसेप्शन एंड पे, तो वो क्या करेगा, सिर्फ स्ट्रॉन्गर सिग्नल को पिकअप करेगा और जो हमारा वीकर सिग्नल है उसको वो वहीं पर एलिमिनेट कर देगा और हमें एक सिंगल सिग्नल मिलेगा। बट यहाँ हमारे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर क्या हो रहा था कि दोनों के दोनों सिग्नल हमारे डीमोडुलेट हो गए थे, दोनों के दोनों सिग्नल डीमोडुलेट होने से हमें सेम फ्रीक्वेंसी के होने से हमें इंटरफेरेंस मिल गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द डिजाइन ऑफ AM ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स इज नॉट कॉम्प्लेक्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमोडुलेशन पर्पज। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे जो ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स हैं वो उनकी जो सर्किट है बहुत ज़्यादा हमारी क्या नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स नहीं होती है जो मॉड्यूलेशन और डीमोडुलेशन के लिए। पर हमारे FM मॉड्यूलेशन के अंदर द डिजाइन ऑफ AM ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स फॉर मॉड्यूलेशन डीमोड, जिसके कारण हमें क्या होगा, जो AM सिग्नल है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, और FM जो FM सिग्नल के ट्रांसमीटर्स हैं और वो जो सर्किटरी हमें क्या है, कॉस्टली पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारी सिंपल है इसमें मॉड्यूलेशन डीमोडुलेशन में, तो ये हमें ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी। एंड लास्ट एंड द फाइनल हमारे पास क्या है, AM ट्रांसमिशन एंड रिसीवर इक्विपमेंट आर नॉट दैट एक्सपेंसिव सिंस दे आर सर्किटरी सिंपल, जो हमने बोल ही दिया है, द FM ट्रांसमिटर एंड रिसीवर इक्विपमेंट आर एक्सपेंसिव एज दे आर सर्किटरी कॉम्प्लेक्स। जो हमारे 9th और 10th पॉइंट मैंने एक साथ ही कवरअप कर दिया है, और उसमें क्या है कि जो दोनों का डिमोडुलेशन और मॉड्यूलेशन सिंपल होता है उसमें कॉम्प्लेक्स होता है, और इसकी जो सर्किटरी बनती है ट्रांसमिशन एंड रिसीवर्स की वो AM के अंदर हमारी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ती, और FM के अंदर हमें वो क्या पड़ती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। ओके, थैंक यू।